हाँ जी भाई, सत श्रीकाल जी। तो आपां टमाटर की प्रूनिंग कर रहे हैं, चौथी प्रूनिंग आ गई है ये हुण इस टाइम पर। तो ये जिहड़ी सिंगल ब्रांच ही असीं रख रहे हैं इन्हें पहले दिन तो ही, तो उस बेस से इन्हूं असीं खाली कर रहे हैं। तो तकरीबन हाइट इहदी अप्रोक्सीमेट 15 फुट तो उत्ते ते हो चुकी है। तो क्योंकि जिहड़ी इहदी फालतू टहिणी है वह हुण इहनूं जंगल बनावेगी, तो कि इहदा जिहड़ा फ्रूट आ उह फिर साइज नहीं वधिया बनेगा, उन्ना फ्रूट घट लगेगा, तो प्री मच्योर फ्रूट ज़्यादा होगा। इस बेस से इहदियां कटिंगां कर रहे हैं जिन्ना भी फालतू आ। हुण जिद्दां कि आह एक टहिणी निकली हुई आ, इहनूं भी असीं कट कर देना है। जां फिर जे तुसीं दो लेके जाणी आ ना, तां इहनूं दो भी लेके जा सकदे आ, पर इहदी दो दे विच जिहड़ा इहदा फ्रूट आ उह तुसीं मेन ब्रांच वाला ही फ्रूट लेना है। ठीक है जी। हुण मैं आह दो रखियां है इस प्लांट ते, ते दो दे विच जिन्ना भी फ्रूट आ रहा ना यह मैं मेन ब्रांच का ही फ्रूट लिता है। ठीक है। वैसे मेन ब्रांच ये जा रही है जिहड़ी इहदी नीचे तो उत्ते तक जा रही है, पर इहदे नाल जे असीं एक ये लेनी आ ये ले सकते हैं, पर आपां ने ये भी नहीं लेनी, आपां ने इहनूं भी कट कर देना। इहदे उत्ते तकरीबन जिन्ने भी टमाटर लगे हुए वो आपां ने कट कर देने आ। तो उस तो बाद इहनूं की करना है, इहनूं दोबारा इहदे नाल लपेटना है। तो लपेट के इहनूं इत्थे तक लिया के उस तो बाद ये जड़ी रस्सी उत्ते वाली आ इहनूं टेढ़ी ले जाना। यह जिन्ना इहनूं टेढ़ा लेके जाओगे सारे ही अगे ते अगे टमाटर लंबा पैंदा जाएगा। ये मैं तुहानूं दिखांदा किदां। ये फिलहाल इहदी कटिंग हो गई आ, ते क्योंकि हुण वेल तकरीबन उत्ते तक जा चुकी आ, उस तो बाद इहनूं थले किवें उतारना, थले आपां ने उतारन लई इहनूं रस्सी नूं इस पॉइंट ते लियाना है, ते इहनूं टेढ़ा करदे करदे हौली हौली यह थले नूं बैठदा जाएगा। फिर की होगा कि इहदा जिहड़ा फ्रूट आ वह सारा नीचे आ जाएगा, तो उत्ते तक जिहड़ी इहदी ग्रोथ आ वह वधदी रहेगी। इस करके कटिंग बहुत जरूरी आ पॉली हाउस दे विच, नैट हाउस, वॉक इन टनल्स, तो छोटिया टनलों के अगर ओपन फार्मिंग दे विच कर रहे हो, तो ओपन फार्मिंग दे विच जे तुसीं प्रूनिंग करते हो तो वह बेनीफिट बहुत वधिया रहिंदा है, क्योंकि उहदे नाल की हुंदा कि फ्रूट न्यूट्रिशन फुल रहिंदा है। जिन्ने इहदे ते फ्लावर आणगे मेन ब्रांच के उत्ते, जिवें कि आ मेन ब्रांच फ्लावर आ, मेन ब्रांच फ्लावर के उत्ते जिन्ने भी फ्रूट आणगे वह ऑलमोस्ट वधिया तरीके नाल राइप होणगे, तो उहनां विच क्वालिटी प्रोड्यूस भी पैदा होवेगा। तो इहदा खास तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम यह सितंबर एंड अक्टूबर 5 तरीक का लग्या होया है, तो यदि हाइट बहुत बढ़ चुकी है, तो एक तरह जंगल बन रहा है, तो टमाटर की फ्रूटिंग दे उत्ते आ, क्योंकि मेन सीजन आ। तो पर फ्रूट का लालच नहीं करना, जिन्ना असी फ्रूट का लालच करोगे उन्नी असी क्रॉप थले नूं लेके जावांगे। इस करके यही आ कि बई मिनीम क्वांटिटी जिनी उस बीज के वलों दिती जाती है उस दे उत्ते ही ध्यान दिता जाए, जिन्ना असी इहनूं फ्रूट न्यूट्रिशन बाईपास करते जावांगे नीचे तो। हुण इत्थे तो असी सारा न्यूट्रिशन बाईपास किया होया तां इह उत्ते तक वध रही आ, अदरवाइज़ की होएगा कि जे असीं नीचे वाली मेन ब्रांचिज भी रख लेंदे आ तां उहदे नाल की हुंदा है कि भी सारा जिहड़ा अपना न्यूट्रिशन आ उह थले ही रह जाएगा, उत्ते तक नहीं जाएगा। तो न्यूट्रिशन बाईपास का तरीका यही है कि भई आपां ने सारिया ब्रांचिज कट देनिया है, उहदी कटिंग करनी आ, कटिंग करनी बहुत जरूरी आ, ते उहदे नाल ही ये फ्लावर आणगे। हुण इस फ्लावर के उत्ते जे मैं टमाटर गिणा तां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये उत्ते 18 आए आ। ठीक है। पर जिहड़े ओ वालियां हुंदियां उहनां ते 4-5 टमाटर हुंदे आ। ठीक आ। इस दे लालच च असीं ये वाले भी गवा लैंदे आ, वह भी गवा लैंदे आ, उहदे नाल की हुंदा कि साइज़ बहुत छोटा रह जाता, टमाटर की ग्रोथ नहीं होंगी, न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, क्योंकि प्लांट के जिन्ना न्यूट्रिशन नीचे तो आएगा उन्ना ही वो ग्रोथ करेगा। उस करके न्यूट्रिशन बाईपास करने लिए सानू जिहड़ियां इन्हां दी ब्रांचिस आ वो कट्टनियां पैंदियां है। ठीक है जी। तो हाँ जी, तो ये तुसीं देखो कि भी इस साइड वाला ये सारी कटिंग हो चुकी है, इस साइड तो भी कटिंग हो चुकी है, तो उहदे नाल इहदी जिहड़ी उत्ते वाली फ्लावरिंग आ वह काफ़ी सोहनी आई है अगे अगे भी। ठीक है। तो बहुत सोहना टमाटर उत्ते तक जा रहा है, नीचे तो लेके उत्ते तक जिहड़ी इहदी ग्रोथ हो रही है। तो दूसरा जिहड़ा इहनूं असीं उतारिया होया है, उतारन दा तरीका यह है कि इहदियां उत्ते वालियां रस्सियां टेढ़ियां करके अगे नूं, तां नीचे तो यह सी शेप दे विच इहनूं कीता है। आह तुसीं देखो इधर, तो यह इदां ही इहदियां टहिणियां थले आई जाणियां, तो इहदी ग्रोथ वधदी जाएगी। हुण इहदे विच जिहड़ी इक बीमारी आउंदी आ जिहड़ी खास तौर पर जदों फ्रूट राइपिंग ते आउंदी आ, उह हैगी आ इह वाली, यह जिहड़ा फ्रूट आ यह इत्थे ते फंगस प्रॉब्लम आ। यह दो रीज़न आ, सनलाइट ज़्यादा है तां होवेगा, जां फिर खेत च बीमारी आ चुकी आ,
कहण तो भाव ब्लाइट का अटैक ठीक है फंगस आ। सो ये इनिशियल स्टेज पर जो थोड़ा लग रही घट आ तो जड़ा फंगीसाइड यूज़ करना है वह इनिशियल स्टेज वाला ही करोगे, अदरवाइज जे उहदे विच ज़्यादा आए तो थानू सब तो वधिया जिहड़ी स्प्रे आ उह रिडोमिल गोल्ड ही आ जिहड़ी असीं करदे आ। रिडोमिल गोल्ड का जिहड़ा सॉल्ट आ उह इहदे उत्ते काफ़ी वैरी करता है, मतलब एंड तो एंड ते भी टमाटर नूं बचा दिंदा है रिडोमिल, ठीक है जी। तो इहदा कारण यही आ, पर ये वाली जिहड़ी प्रॉब्लम आ उह नॉर्मल फंगीसाइड भी सॉल्व कर देंदे आ, तां इहदे उत्ते खास ध्यान रखा जाए, ठीक है। दूसरा हुण की आ कि बई कई गुच्छियां दे टमाटर बहुत ज़्यादा लगे हुए आ जिदा कि आह है हुण इहदे उत्ते की आ, इहदे उत्ते जिहड़े टमाटर ग्रोथ कर चुके आ ऑलरेडी उही बड़े वधिया क्वालिटी विच बणनगे, अदरवाइज जिहड़े छोटे आ उह छोटे ही रह जाणगे। इस करके इहनां दे विचों जे कोशिश इह हुंदी आ मेरी खास तौर ते भी जिहड़ा छोटा फ्रूट आ उहनूं असीं कट लईए, ठीक आ। जिन्ना असीं उहनूं झाड़ देवांगे तां जिहड़े दूसरे वाले टमाटर आ उहनां दी ग्रोथ वधिया होवेगी, ठीक आ। इह तुसीं कर सकदे आ पर इहदी इन्नी जरूरत नहीं हैगी क्योंकि चली